दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि जो विपरजोय तूफान था वो इस समय काफ़ी कमजोर होकर उत्तर प्रदेश के भागों पर इस समय बना हुआ है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर और मध्य भागों पर किस तरह से क्लाउडिंग है और काले काले बादल छाए हुए हैं, और कई भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिली भी है, कुछ भागों पर इस समय चल भी रही है। लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पर अब काफ़ी भारी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून काफ़ी तेजी के साथ अब आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि आप सभी मानसून की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मानसून अब से पहले उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इस तूफान की वजह से वो लगातार लेट हो रहा है। लेकिन अब यही तूफान भले ही कमज़ोर हो गया और मानसून को काफ़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचाने वाला है, और जो उत्तर प्रदेश पर बारिश होगी वो धमाकेदार बारिश होगी। एंट्री जो उत्तर प्रदेश पर मानसून की होगी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, यानी कि काफ़ी अच्छी तेज बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होने के आसार हैं। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों कि 22 जून में उत्तर प्रदेश राज्य का किस तरह का मौसम रहेगा, और आने वाले अपडेट पर भी एक नज़र डालेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं 22 जून की रिपोर्ट। तो देखें 22 जून में उत्तर प्रदेश के जो दोस्तों ये जो जिले हैं, ललितपुर झांसी से लगाकर और इसमें महोबा, हमीरपुर, जालौन और बांदा, इन जिलों पर सबसे अधिक वर्षा होने के आसार है। यानी कि यहाँ पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर आंधी तेज हवाएं चलने के आसार है, क्योंकि जो हम बोल सकते हैं बी पर जो ये तूफान हालांकि अब कमजोर हो चुका है, लेकिन वो रहेगा उत्तर प्रदेश के इन भागों पर। अब इन भागों के जो आसपास के जो जिले हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कानपुर देहात से लगाकर और यहाँ पर चित्रकूट, कौसाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, एटा, फरुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, आसपास के जो ये जिले हैं यहाँ पर भी कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका जो है वो देखने को मिल सकता है, और अच्छी खासी बारिश हो सकती है यहाँ पर भी, क्योंकि ये भले ही यहाँ पर हो लेकिन बादल जो है इसके आसपास भी इस तरह से मंडराते रहते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अब पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर तापमान जो है वे काफ़ी बढ़े हुए थे और गर्मी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर भी कल से क्या होगा कि बादल जो है आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी जो तापमान बढ़ा हुआ था उससे थोड़ी सी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर से लगाकर इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, और इसमें बोल सकते हैं कि आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर से लगाकर संत कबीर नगर, और यहाँ पर मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, गोंडा, सरबस्ती, बलरामपुर से लगाकर बहराइच, सरबस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत से बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ये जो इतने जिले होंगे यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। लखनऊ और अयोध्या के आसपास प्रतापगढ़, यहाँ पर भी बादल देखेंगे, और इन भागों पर जैसा मॉइस्चर बना रहेगा, बादल दिखेंगे, तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी होने की यहाँ पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, सहारनपुर जिले के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। इससे आगे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद से लगाकर हापुड़, अमरोहा और गाजियाबाद, आसपास के भागों पर यानी कि बुलंदशहर और अलीगढ़, यहाँ पर मौसम लगभग दोस्तों ड्राई रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, था धूप जो है वो अच्छी खासी इन भागों पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, नीचे रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है दोस्तों 22 जून में। अगर 23 जून की हम बात करते हैं, 23 जून में उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले भाग हैं इन पर अच्छी खासी बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल छा जाएंगे और ज़्यादातर भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बनेगी, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर लगभग मौसम हमें ड्राई होता हुआ ही नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ भागों पर यहां पर भी बादल दिखेंगे और जो तराई वाले भाग है यहां पर थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार हैं। और इसी प्रकार 24 जून से हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल छा जाएंगे, कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आएगी, और 25 जून आते आते उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ मध्य भागों तक कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार जो है वो हमें लगातार नजर आ रहे हैं।
और यहाँ पर 26 जून की अगर हम बात करते हैं, 26 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होगी, क्योंकि इस दौरान मानसून जो है यहाँ पर पहुंच चुका होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को मानसून कवर कर चुका होगा। 26 जून तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों को मानसून यहाँ पर कवर कर चुका होगा। 27 जून में भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार है। 28 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं, और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधि 30 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी ही देखने को मिलेगी, और 30 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी कि जो मानसून आएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पर, तो काफी अच्छी भारी बारिश मानसून ये करने वाला है उत्तर प्रदेश के। हालांकि इसके साथ साथ कई अन्य मौसमी सिस्टम भी बने रहेंगे मध्य प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं। लगभग एक हफ्ता अच्छी खासी बारिश देखने को उत्तर प्रदेश राज्य के ज्यादातर भागों पर मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।